प्रिय साथियों, पूजन विधि साल का इस 33वां इतवार को वचन के द्वारा प्रभु अपने पुनरागमन के बारे में हमें सुनाता है। प्रभु के दर्शन पाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सब तैयार होना यानी जागृत रहना जरूरी है। प्रभु हमें बताते हैं कि हम इस युग का निशानों को समझकर तैयार रहना चाहिए। प्रभु की प्रजा को समझने के लिए यानी महसूस करना जरूरी है। प्रभु की प्रजा को जानने के लिए सबसे उत्तम माध्यम है पवित्र वचन। आज का सुसमाचार का अंत में प्रभु हमें बताता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो भी प्रभु का वचन नहीं टल सकते। हमेशा के लिए जीवित रहने वाले प्रभु का जीवंत वचनों के बारे में है प्रभु की शिक्षा। प्रभु के वचनों पर भरोसा रखकर उसे सुनने और पहचानने के लिए अथक परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु के वचनों में जीवन संदेश है। उसे अपनाकर वचन का साक्षी बनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके वचन को ग्रहण कर उसका अर्थ समझ कर आपके पुनरागमन के लिए जागृत रहने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके वचनों के साक्षी बनकर इस दुनिया में आपका प्रेम फैला सकें।